हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेपी सीरीज फैमिली। आज मैं दिखाता हूँ आपको हरियाणवी सॉन्ग की शूटिंग। हरियाणवी सॉन्ग कैसे शूट होते हैं, कहाँ पे शूट होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको ले चलता हूँ शूटिंग लोकेशन पर, सीधा खरखोदा। ये सॉन्ग हमने खरखोदा में शूट किया है और सॉन्ग का नाम है लट। इसे गाया सुरेंद्र रोमियो ने और रुचिका जांगिड़ ने। इसमें एक्ट किया है गणेश नूनवाल ने और अनामिका बावा ने, और इसको म्यूजिक दिया है गुलशन शर्मा ने और लिखा है अनिरुद्ध तालू ने, और शूट किया है मैंने और एडिट की है आंसू हिमांशु ने। तो मैं आपको पूरी हलचल दिखाता हूँ सॉन्ग की शूटिंग कैसे होती है, कैसे हंसी मजाक होते हैं, कैसे शूट होते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ सीधा खरखोदा शूटिंग लोकेशन पर। तो चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा आएगा, देखना ज़रूर पूरी वीडियो देखना। तो चलते हैं सीधे खरखोदा, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम जैसे ही अपने शूट पे पहुँचे तो हमें वहाँ मिले भाई देव कुमार देवा। तो उनसे कुछ बातें की, तो मिलते हैं भाई देव कुमार देवा से। चलो जी, ठीक है जी, खींच के लो। शुभकामनाएं आपके लट के लिए। आपकी लट ठीक है। बूटा क्या डला युवराज ने आज एक सीन किया बहुत ही मस्त जबरदस्त। फाइनल टेक ओके, बड़ा जबरदस्त, शाबाश बेटा। बहुत अच्छी एक्टिंग की इन्होंने, बहुत मतलब अपनी समझ से बाहर, शाबाश। बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे ये बड़े हो गए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बिल्कुल मज़ा आया। और ये लोकेशन हमारे पीछे, ये देखिए, गणेश ने लट का डांस बहुत ही अच्छे, जो शुरू का सीन जो है ना दोनों का, बाबू बेटे का था बड़ा कदर, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। यूवी बेटे ने बहुत अच्छा किया। आज गाना शूट होने जा रहा है लट। लट मतलब हरियाणवी संस्कृति में लट का अलग महत्व है। नुकार लठ मारूंगा। तो लठ गाना है और बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत मतलब उम्मीद है, और आप लोग तो जो है आशीर्वाद देने वाले हुए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जरूर आशीर्वाद मिलेगा। और लठ गाना बहुत जल्दी मेरे ख्याल में सोमवार तक आ जाएगा आपके पास। और काम करने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जेपी भाई ने लोकेशन आप देख रहे हो पीछे, बहुत अच्छी चूज करी है। जेपी भाई का अंदाज ही अलग है, काम करते हैं तो बहुत बारीकियों से जो है काम करते हैं। बहुत अच्छा लग गया। पहला हमने छोटा सा थोड़ी स्टोरी थी वो काट ली, स्टोरी में भी अच्छे तरीके से हमने शूट कराया है, और अब बहुत दमदार गाना आपके सामने आने जा रहा है। और कलाकारों के साथ काम करते हैं ना, वैसे कैमरे में बहुत मजा आएगा इसमें। एक तो एडिटिंग में काम ही अच्छा होगा, तो एडिटिंग में मजा होगा बिल्कुल। और कलाकार के साथ के में तो काम करते हैं, क्योंकि एक तो रीटेक बहुत कम होते हैं, और जो एक्टिंग करते हैं तो हमारी मतलब वहाँ से स्केयर जो है ना, मजा आ जाता है, मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है बिल्कुल।
और माँ के पेट से खर कोई नहीं सीख आता, सब यही सीखा। छोटे बेटे को भी लॉन्च कर दिया हाँ। और इसका भी जो है किरदार, एक छोटा सा किरदार, इसने भी कोई रिटेक नहीं दिया। पहले झटके में मतलब मजा आ गया इसका सीन देख करने। बहुत पहले झटके में जेपी दादा ने ओके कर दिया, लाइव लो चाहे मत लो बेकार है। वैसे हमने 200 और ले लिए फिर हाँ। बाकी पहला ही फाइनल था, वन टेक ओके था। जेपी ने टिकट तो ले ली पर पास भी बनवा लिया। बहुत मजा आ गया। अब मैं दिखाता हूँ, अब अपना मेकअप चल रहा है अंदर, मेकअप दिखाता हूँ। मेकअप रूम, यहाँ पे मेकअप होता है जैसे सॉन्ग वगैरह का, बहुत ही अच्छा रूम है। और अभी करते हैं, बस 10 मिनट में मेकअप हो जाएगा, उसके बाद करते हैं शूट। लो जी पानी पियो, हैवी ड्रेस होगी ना, पानी पानी पीछे सिर ना पानी। हाँ मैं पीऊंगी, ले ले बेटा चाय बनवा दो। ले ले बस, कितनी देर में आ रहे हैं सही बताइए। मेकअप रूम देखिए हमारा, ठीक है। हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो आशा है ना, बहुत कुछ कह दे पर अच्छा लगेगा। अच्छा मैं पूरे ट्रेडिशनल करूंगी, आप टेंशन ना लो। कितना आपका? मेरा बहुत अच्छा है, वो लगाती हूँ। देखिए एक मिनट रखी हूँ, दिखाना पड़ेगा, दिखाती हूँ। ये हमारी नई मेकअप मैंने देखी। क्या नाम है जी मैडम जी? प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा राजपूत। प्रियंका राजपूत नाम है तो बेकार है इसका, नाम है खातर तो हमारा छोरा भी नुका मासी आप नाम चेंज कर ले। आपका मैडम जी मधु। और ये अनामिका बाबा जी, आप तो इसको सब जानते हैं। ये मेकअप चल रहा है बहुत ही। आप क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, वैसे मुझे अच्छा वीडियो बना रहे हैं। मैं ब्लॉग भी बनाने लग गया आजकल। सही है ब्लॉग का आजकल बड़ा कमाई बड़ी कर रहे हो चारों तरफ से दड़ा। दूसरा ब्लॉग है यार, रोकिन जनरल जब बना था केवी सोच रहा था गेरूंगा डालूंगा बना के अपने थोड़े से देखो सर। अच्छा लगेगा। ठीक है, बड़ा सा नहीं आया है। देख गणेश जो सही नहीं रहेगा सर, वो यो सही है हां, उन्होंने अच्छा लगा वो उन्होंने कैया मार दिया। ठीक है, जब राम दे जो अच्छा लगा उसमें के गंदा लगा वो जमाए में वो मैं कर नहीं। वैसे तो अपने पुरानी संस्कृति हो, अब सोच बदल गई हम लोगों की। अच्छा है, यूट्यूब में भी कल बोले है 17,000 का लहंगा लिया ये शादी में, जो हरियाणवी ड्रेस लगेगी ना पीछे नहीं लगेगी। और उसमें मैंने अनामिका का फोटो लगा रखे है, वो हरियाणवी ड्रेस पहन रही है अपने गाने में, उसमें वही लगा रखे है। हरियाणवी ड्रेस भी एक लड़की पाछी ना लगती। जब तक तो दोबारा बुलाई है। बात हरियाणवी ड्रेस की थी, हरियाणवी ड्रेस है तो फिर वाइफ ये नहीं नहीं मेरे हाथ में बीन होते थे बस पहला बना लिया ना, यो खंडवा बांध दे देगी, गोल्डन टच दे, खंडवा बांध दिया मूंछ लगती है ये गोल्डन टच दे है ना, तो ये लंबे है ना, यो घने बटाबाल हो जाएंगे चेहरे के हिसाब से, छोटे पैर झुमकी पैर लेने वे जो सागा फिर ढीला हो जाएगा। हाँ ये भी बढ़िया है। लो भाई चलो मैं थोड़े पी लूंगा कोई ना। हाँ तो ये हमारा मेकअप रूम था अंदर, और ये भाई है अपने, नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन ये कैमरा लेके आया अपना मार्क फोर से हम शूट करेंगे। तो ये यूपी से हैं, नाम अपना खुद बताएंगे। और ये के दोनों भाई हैं, मेरा नाम है सिमोन कटारिया और मैं कैमरामैन, और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे वो नाम कमाएंगे। बोलना बस, थैंक यू जी। ये मेकिंग का काम करेंगे, मेकिंग बनाएंगे अभी। हाँ अच्छा, मेकिंग करेंगे हम यहाँ पे, मेकिंग बनाएंगे अभी पूरी मेकिंग का, इनका जुम्मे मतलब छोड़ दिया, ये मेकिंग करेंगे, मैं अपना डीओपी करूँगा, वो भाई इनके साथ इवेंट की हेल्प करेंगे दोनों।
तो ये यूपी से आते हैं, गांव का नाम थी लोडा बड़ोत जिला बागपत बड़ोत के पास, बड़ोत याद आ गया जैसे कौड़ लेते हैं तो बड़ोत तत्ता। हाँ तो चलो मैं और दिखाता हूँ लोकेशन चलते हैं। ये देखिए पीछे लोकेशन बैकग्राउंड पे बहुत ही मस्त और जबरदस्त। हाँ जी हाँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे। जब तक जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत। फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे।